मैं तुमको सच्चाई भी बताता हूँ, शार्क टैंक में मेरे हमारे तो कोई पैसे नहीं बने, ठीक है, कुछ तो किसी ने यूट्यूब में डाल दिया, मेरे को 10 लाख रुपए पर एपिसोड के मिलते थे। शार्क टैंक के ऑडिशन भी मेरे घर पे होते थे, बड़े गरीब लोग हैं, उनके पास वेन्यू भी नहीं है। ये सब दोगलापन है। से लास्ट अगस्त तक मैं बहुत प्राइवेट पर्सन था, राइट। तो मैं आपको बता दूं मैं कितना प्राइवेट था। मेरे इंस्टाग्राम में 236 फॉलोअर्स थे, 236, और मेरा अकाउंट था प्राइवेट, और 336 लोगों को तो मैं फॉलो करता था। लास्ट ईयर आउट ऑफ द ब्लू शार्क टैंक इंडिया टीम अप्रोच मी एंड दे सेड कि सर शार्क टैंक पे आना है। नाउ द फनी पार्ट इज मैंने शार्क टैंक देखा ही नहीं था, ठीक है। तो मेरे को पता था कि कोई अच्छी चीज़ होती है, बिकॉज जो वो जेनजी मिलेनियल वाला क्राउड है ना, वो जब भी मिलते थे वो शार्क टैंक की बातें करते थे, बट ऑफ द यूएस शार्क टैंक। तो ये पता था कि कोई जाना है, बैठना है, कोई पिच मारने आएगा, आपको उस टाइम कॉल लेनी है कि हाँ या ना बोलना है, एंड दैट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट। हमारा भी जितने शार्क टैंक में जितने जजेस हैं, मैं अनुपम को पहले से जानता था। अनुपम को मैंने पिच मारी थी भारत पे के टाइम की सर आप पैसे डाल दो, पर उसने शायद 1 महीना एक्स्ट्रा लगा दिया था हाँ बोलने में, फिर मेरे को इन्वेस्टर से पैसे मिल गए थे, फिर मैंने ना बोल दिया। उसके सिवाय विनीता मेरी जूनियर थी आई एम अहमदाबाद में, तो आंखों आंखों में बात हुई थी, बट कभी एक्चुअल में बात नहीं हुई थी। मतलब विनीता हमारे मेरे जूनियर बैच की बहुत टोट लड़की थी, राइट। तो बट बाद में वो अच्छा कर रही थी, वो मेरे को पता था, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट आई हैव फॉर हर। बाकी अमन बहुत से बंदा है, उसको मैं पहली बार मेरे घर पे मिला। मेरे घर पे शार्क टैंक के ऑडिशन भी मेरे घर पे होते थे, बड़े गरीब लोग हैं, उनके पास वेन्यू भी नहीं है। तो मैं तुमको सच्चाई भी बताता हूँ, शार्क टैंक में हमारे तो कोई पैसे नहीं बने, ठीक है, कुछ तो किसी ने यूट्यूब में डाल दिया, मेरे को 10 लाख रुपए पर एपिसोड के मिलते थे, ठीक है भाई, मतलब 5 लाख भी दिला दे तो मतलब बड़ी बात है। कुछ नहीं होता था। द शो कॉन्सेप्ट इज़ वेरी सिंपल, they believe we have money, right? So that is the first belief. We were not paid anything for any episode. Forget it. मतलब हमने तो bonded labor वाला काम किया है। हम सुबह 8 बजे सेट पे पहुंच जाते थे, रात को कई बार 11-12 बजे भी हम छूटते थे। So we have put in very long hours. But why we were doing it? उसके 2 रीज़न है, right? एक तो personally सबको famous होना था, right? मतलब मैं जितना मर्जी बोल लूँ कि नहीं हम तो हमारे को तो फेम नहीं चाहिए, बट सब कहीं ना कहीं तो चाहिए था ना, वरना क्यों टीवी पे आना है यार। नहीं फेम चाहिए तो घर बैठो ना, ठीक है। तो बट सेकंड चीज़ जो थी कि हमको लगा कि यार अगर वो 30 दिन जो वो वीकेंड्स हैं हम ये कर रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू बी मोर फन देन एनीथिंग एल्स वी डू।